नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह मीना आपका दोस्त, और मेरे साथ हैं मिस्टर ए आर खान जो कि गुवाहाटी से हैं, और ये मेरे मित्र बने हैं नए नए यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ इस समय कोटा राजस्थान में। ये थोड़ा सा आपको बताएंगे डे जॉय के बारे में, जिस कंपनी के प्लान की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो प्लीज़ सर थोड़ा सा बताइए डे जॉय के बारे में। देखिए, डे जॉय एक ऐसी कंपनी है जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड हमने देखने के लिए आए थे, और एक ऐसी बैकग्राउंड हमें देखने को मिला है जो कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी के बैकग्राउंड हमने देखा नहीं। हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी कुछ हो, पर इंडियन कंपनी ऐसी बैकग्राउंड हमने देखा नहीं। एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी होने जा रही है। अच्छा, ऐसा क्या बैकग्राउंड में आपने देखा खास? देखिए, कंपनी का ओनर जो है, इनका बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे बिजनेसेस है। जो भी बिजनेसेस है ये आज से नहीं है, बहुत साल पुराना है ये। 1962 से ये इन लोग कंपनी चला रहे हैं, कोटा डाल में बहुत बड़ी कंपनी है। और आप अगर देखना चाहते हैं कि इन लोगों का जो हरमोजा फर्नीचर, ये एक बड़ी ब्रांड है। हाँ, मुझे पता लगा दिशा पाटनी इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, मोनी रॉय भी हैं है। जो इनका ये अन्नपूर्णा रसोई हाँ। से 4 लाख लोगों को डेली खाना खिलाते हैं, 5 रुपया का ब्रेकफास्ट, 8 रुपया का लंच डिनर। पूरी राजस्थान जानता है इन लोगों को। ऐसी एक बड़ी हस्ती के कंपनी में हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, और ऐसी कंपनी में काम करने में मजा आ जाते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कंपनी होनी चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम ये लेकर आए हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड में सुना है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इन्होंने डाला प्लान में आम आदमी के लिए। बात किया जाए तो प्रोडक्ट का क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी रखी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इनके मुंह से नहीं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जाने हैं। 2-4 कस्टमर प्रोडक्ट यूज़ करके जो सेटिस्फेक्शन मिला है उसका फीडबैक मिला हम लोगों को। और रही बात इनके प्रोडक्ट की गेटअप की, अब गेटअप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट गेटअप, क्वालिटी और गेटअप दोनों ही, जब पैकेजिंग मटेरियल जो है बहुत ही सॉलिड इन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया। आपको क्या लगता है, मजा आएगा कंपनी में काम करने में? तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां अभी तक प्रोडक्ट बेस इंडिया में चल रही हैं, एमवे, ओरिफ्लेम, वेस्टीज, आरसीएम वगैरह जो भी रही हैं अभी तक इंडिया में, ये कंपनी कंपीट करने जा रहा है। अच्छा, जितने भी कंपनी हम लोग के स्टडी में है, छोटे कंपनी से बड़े हुए हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, आपके बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा अच्छा, जिसको मतलब और बहुत बड़ा बनना है, इसको और बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है। एक्चुअली इसके जो ऑनर है, सुनने में आ रहा है जो उनके जो बेटे हैं शंभू अग्रवाल जी के बेटे अनमोल अग्रवाल जी, उनका जो विजन है वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोटा से बाहर हमारी पहचान नहीं है, तो वो पैन इंडिया लेवल पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अनमोल अग्रवाल जी से मेरा भी बात हुआ है, मतलब इन लोगों का विजन जो है, मतलब पैसा कमाने से ज्यादा है कि इन लोगों का नाम कमाना ज्यादा विजन है, इसीलिए क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। और प्लान भी इतना जबरदस्त प्लान बनाया है कि इससे आप जितना चाहे इतना कमा सकते हैं। चलिए, कोई बाइंडिंग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रमन साहब। और ये बाबूलाल जी हैं हमारे साथ, ये अबोहर पंजाब से हैं, यहाँ पर आए, इन्होंने भी कंपनी को देखा। दो शब्द आप भी कहना चाहेंगे कंपनी के बारे में कुछ? ऐसी कंपनी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अच्छा जी, बिल्कुल। ऐसा मतलब क्या खूबी आपको नजर आई कि ऐसी कंपनी आज तक जो भी कोई कंपनी का ओनर रहा है वो पहले छोटे लेवल का था, और बाद में कंपनी बनाने के बाद अमीर हुआ। अच्छा अच्छा, और ये तो खानदानी अमीर है। अच्छा जी, और इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएं तो 1962 से ही, अच्छा जी, बिजनेस कर रहे हैं, और इनका बिजनेस ज़्यादा फॉरेन कंट्री में हो रहा है, अच्छा, इंडिया में कम हो रहा है। अच्छा जी, और बाहर में एक्सपोर्टर है काफ़ी बड़े, इंडिया में भी है। जैसे कोटा में सुनने में आ रहा है कि पूरा 150-200 किलोमीटर के एरिया में कोटा दाल मिल बहुत फेमस है, और सारा जो स्वास्तिक ब्रांड के नाम से इनका आटा वगैरह है, यहाँ ज़्यादातर लोग मोस्टली उसी को यूज़ करते हैं। जो भी कुछ खाने को दिन में मिलता है या शाम को कुछ भी खाता है, अच्छा, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी खाओ, मतलब इतना ज़बरदस्त सिस्टम देखा है इनका, प्लांट देखा, पूरा दिन में घूम भी नहीं सकते, इतना बड़ा तो इनका प्लांट ही है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी बात है, तो मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी प्रोफाइल है सर। सो प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो मल्टी सेक्टर में कंपनी पहले ही 1962 से है ऑलरेडी। अच्छा। तो कोटा का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया का बोल सकते हैं, मगर ये अभी तक इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों में ही पॉपुलर था, कुछ गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात करें तो गवर्नमेंट में पॉपुलर था, बट पब्लिकली नहीं था। अच्छा जी, बट अभी जो इनका जो थीम बन चुका है वो ये है कि अभी हम चाहते हैं कि पब्लिकली लोगों में जाए।
तो उसके लिए इन्होंने चुना नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेल को। तो डायरेक्ट सेल में जो इनके प्रोडक्ट हैं तो वो अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लुक और स्टैंडर्ड के हैं, सबसे बड़ी बात है। और क्वालिटी तो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। और प्लान की अगर बात करूं, एक ट्विस्ट जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, अभी जिसको हम डायरेक्ट अपने सारे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जितनी इनकम लेता है उसका 100% अपने को आता है। लाइक अगर वो 500 कमाता है तो 500 अपने को आता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और सबसे मजेदार जो बात है, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ सर। और सबसे जो मजेदार बात है कि जो इसके MD हैं अभी तक के MLM के इतिहास के सबसे कम उम्र के 23 ईयर ओल्ड के MD सबसे बात है क्या। सो और बाहर से पढ़ाई करके आए लंदन से, ये बिल्कुल छोटे भाई हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में उन्होंने अभी बिल्कुल बिल्कुल IT और मैनेजमेंट का कोर्स किया है। बहुत ही यूनिक उनके पास प्रोडक्ट है। सो आइए मिलके काम करते हैं, धमाका करते हैं इंडिया में। बहुत बड़े सर, थैंक यू सर। ले जाए, मैं भी आप लोगों के साथ, आपका दोस्त राजीव भाई। ठीक है जी, मिलते हैं वापस दिल्ली में आप लोगों से जैसी तरह।